टीवी न्यूज चैनल के विशेष कार्यक्रम नवरात्रि स्पेशल चलो बुलावा आया है में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं पहाड़ों वाली माता वैष्णो देवी सबकी मुरादें पूरी करती हैं। उसके दरबार में जो सच्चे दिल से जाता है उसकी हर मुराद पूरी होती है। ऐसा ही सच्चा दरबार है माता वैष्णो देवी का। आइए आप आज टीवी न्यूज चैनल के साथ चलते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन पर। माता वैष्णो देवी को लेकर एक कई कथाएं प्रचलित हैं। एक प्रसिद्ध प्राचीन मान्यता के अनुसार माता वैष्णो देवी एक परम भक्त श्रीधर की भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उनकी लाज रखी और दुनिया को अपने अस्तित्व का प्रमाण दिया। इस ब्राह्मण श्रीधर ने अपने गांव में माता का भंडारा रखा और सभी गाँव वालों को साधु संतुओं को भंडारे पर पधारने का निमंत्रण दिया। पहली बार तो गांव वालों को विश्वास ही नहीं हुआ कि श्रीधर ने इस भंडारे पे हम सभी को आमंत्रण दिया है। अपने भक्त श्रीधर की लाज रखने के लिए माँ वैष्णो देवी कन्या का रूप धारण करके भंडारे में आई। श्रीधर ने भैरवनाथ को भी अपने शिष्यों के साथ आमंत्रित किया था। भंडारे में भैरवनाथ ने खीर पूड़ी की जगह मांस मदिरा का सेवन करने की बात की। तभी श्रीधर ने इस पर असहमति जताई। भोजन को लेकर भैरवनाथ के हट पर अड़ जाने के कारण कन्याकुमारी माता वैष्णो देवी ने भैरव को समझाने की कोशिश की, किंतु भैरव ने उसकी एक ना मानी। जब भैरव ने उस कन्या को पकड़ना चाहा तब वह कन्या वहां से त्रिकूट पर्वत की ओर भागी और उस कन्या रूपी वैष्णो देवी ने एक गुफा में 9 माह तक तपस्या की। इस गुफा के बाहर मां की रक्षा के लिए हनुमान जी ने पहरा दिया। आज इस पवित्र गुफा को अर्धकुंवारी के नाम से जाना जाता है। अर्धकुंवारी के पास ही माँ की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहाँ माता ने भागते भागते मुड़कर भैरव को देखा था। कहते हैं उस वक्त हनुमान जी माँ की रक्षा के लिए माँ वैष्णो देवी के साथ थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके आग्रह पर धनुष से पहाड़ पर एक बाण चलाकर जलधारा को निकाला और उस जलधारा में अपने केश धोए। आज यह पवित्र जलधारा बाण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से भक्तों की सारी व्याधियां दूर हो जाती हैं। जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरव का वध किया वह स्थान आज पूरी दुनिया में भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्थान पर माँ काली दाएं, माँ लक्ष्मी मध्य व माँ लक्ष्मी पिंडी बाएं के रूप में गुफा में विराजित है, जिनकी एक झलक पाने मात्र ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इन तीनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। भैरवनाथ का वध करने पर उसका शीश भवन से 8 किलोमीटर दूर जिस स्थान पर गिरा आज उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि अपना वध के बाद भैरव को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमादान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। आइए जानते हैं माता वैष्णो देवी के दर्शन करने में किन बातों का रखना होता है ख्याल। वैसे तो माँ वैष्णो देवी के दर्शन वर्ष भर श्रद्धालु जाते हैं, परंतु यहाँ जाने का बेहतर मौसम गर्मी है। सर्दियों में भवन का न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक चलता रहता है और इस मौसम में चट्टानों के खिसकने का भी खतरा रहता है, अतः इस मौसम में यात्रा करने से बचें। ब्लड प्रेशर के मरीज चढ़ाई के लिए सीढ़ियों का उपयोग ना करें। भवन ऊंचाई पर स्थित होने से यहाँ तक की चढ़ाई में अपने उल्टी या जी मचलाने संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं, जिनसे बचने के लिए आप अपने साथ आवश्यक दवाइयाँ जरूर रखें। चढ़ाई के वक्त जहाँ तक हो सके कम से कम सामान अपने साथ ले जाएं, ताकि चढ़ाई में आपको कोई परेशानी ना हो। पैदल चढ़ाई करने में छड़ी आदि का प्रयोग कर सकते हैं तथा यह आपकी चढ़ाई करने में मददगार सिद्ध हो सकती है। ट्रैकिंग सूट चढ़ाई में आपके लिए बहुत आरामदायक होंगे। माँ का जयकारा आपके रास्ते की सारी मुश्किलें हल कर देगा। टीवी न्यूज चैनल के साथ माता के दर्शन कार्यक्रम को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय माता दी। टीवी न्यूज चैनल कटरा जम्मू।